चलिए फिर हम लोग डेकार्ट से आगे बढ़ते हैं और रैशनलिज्म या तर्कवाद के अगले फिलोसफर को पढ़ते हैं जिसका नाम है स्पेनोजा। ठीक है, बेसिकली अगर स्पेनोजा की बात करें, तो स्पेनोजा जो था बेसिकली था रिलीजियस आदमी। ये एक तरीके से पादरी भी था अपने धर्म का, क्योंकि ये ज्यूस था, मतलब यहूदी था, और फ्रीडम ऑफ थॉट को बहुत मानने वाला था। ये यहूदी था और फ्रीडम ऑफ थॉट को मानने वाला था, तो इसकी जो फिलॉसफी है बेसिकली फ्रीडम ऑफ थॉट को मानने के कारण डेकार्ट और बेकन के फिलॉसफी से ज्यादा इन्फ्लुएंस था इसका। यहूदी होने के कारण इसके एलिमेंट में गॉड जो है वो सुप्रीम एंटिटी की तरह, सुप्रीम रियलिटी की तरह निकल के आते हैं। ये गॉड को रियल मानता है, तो कैसे मानता है, क्या बोलता है, अपनी फिलॉसफी में आइए आइए आगे देखते हैं कि स्पाइनोजा ने अपनी फिलॉसफी में क्या दिया। बेसिकली अगर स्पाइनोजा को चालू करना है तो स्पाइनोजा जो है तर्कवाद के क्रम में दूसरा फिलोसफर है। पहला जो फिलोसफर है वो है डेकार्ट। तो देखते हैं कि डेकार्ट की क्या कमियों के कारण जो है इसको अपनी फिलोसफी या डेकार्ट की फिलोसफी में क्या चीजें कमी रह गई थी कि इसको आके उसको पूर्ण करना पड़ा। क्योंकि जो वेस्टर्न फिलोसफी, उसमें जो भी बाद के फिलोसफर आते हैं वो पहले के फिलोसफर को अगर टर्मोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूर्ण करते हैं, पूरक है। जो आने वाले फिलोसफर है वो पूरक है। तो स्पाइनोजा इसी क्रम में डेकार्ट का फिलोसफी को कैसे पूर्ण करता है, पूरक कैसे होता है वो देखते हैं। बेसिकली जो डेकार्ट कहता है, कि जो गॉड है वो है एब्सोल्यूट सबस्टांस, लेकिन रिलेटिव इस वर्ल्ड के रिलेटिव में देखा जाता था तो दो सबस्टांस मानता है डेकार्ट। एक तो माइंड मानता है, दूसरा बॉडी मानता है। तो दो सबस्टांस को मानने के कारण, दो रियलिटी को मानने के कारण, दो ऑब्जेक्ट ऑफ रियलिटी को मानने के कारण इसकी जो फिलॉसफी है उसको कहा जाता है द्वैतवाद। ड्यूलिज्म की फिलॉसफी आती है किसकी, डेकार्ट की। स्पाइनोजा जो रहता है वो कहता है कि जो ये ड्यूलिज्म है, जो बात कर रहे हैं कि ये जो डेकार्ट कह रहे हैं कि माइंड बॉडी जो है रिलेटिव टर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो ड्यूलिज्म है ही नहीं। वो कहता है ड्यूलिज्म नहीं है। फिर क्या है ये, कहता है जो माइंड और बॉडी की जो बात कर रहे हैं, जो माइंड और बॉडी बेसिकली जो माइंड और बॉडी की बात कर रहे हैं वो क्या है, माइंड और बॉडी में अगर देखा जाए तो रियलिटी क्या है, वो ट्रायड है, वो तीनवाद का है, वो त्रैतवाद का है। मतलब गॉड भी है, माइंड भी है, बॉडी भी है, तो त्रैतवाद है, द्वैतवाद नहीं है। जो द्वैतवाद की बात यहाँ कर रहे हैं तो द्वैतवाद नहीं, वो क्या है, वो त्रैतवाद है, वो ट्रायड है, वो ट्रायड है मतलब त्रैतवाद है। अगर चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं और एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, एक से ज्यादा अस्तित्व में है, इसका मतलब वो एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट भी करेंगी। चूंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं तो एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। तो स्पिनोज़ा कहता है कि रियलिटी दो तो नहीं होनी चाहिए, रियलिटी तीन भी नहीं होनी चाहिए, रियलिटी तो एक ही होनी चाहिए। इसलिए वो कहता है कि रियलिटी दो नहीं होगी, रियलिटी तीन भी नहीं होगी। तो डेकार्ट का ड्यूलिज्म भी वो एक तरीके से क्रिटिसाइज करता है। डेकार्ट का जो एक जो उस पे इल्जाम लगता है कि जो ये द्वैतवाद नहीं है त्रैतवाद है, तो ट्रैट को भी उसको वो करता है, निगेट करता है। फिर कहता है कि जो माइंड और बॉडी है, वो कहता है कि जो माइंड और बॉडी रिलेटिव टर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अस्तित्व में है, किस बेसिस में, सापेक्षित के तरीके पे। किस पे निर्भर करते हैं, गॉड पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं गॉड पे, गॉड एब्सोल्यूट सब्सटेंस है डेकार्ट की फिलोसफी में। कहता है कि ये गलती आती है डेकार्ट फिलोसफी में, तो गॉड को एब्सोल्यूट मानते हुए भी गॉड क्या है, वो सबस्टांस के बेसिस नहीं आता। तो कहते हैं कि जो माइंड बॉडी है गॉड पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैसे है। अगर कोई भी चीज गॉड पे निर्भर कर रहा है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैसे है। तो इसलिए कहता है माइंड और बॉडी जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक चीज एग्जिस्ट करती है जो कि गॉड है, जो कि भगवान है। भगवान ही एक तरीके से मूलभूत आधार है हर एक चीज का, अल्टीमेट ग्राउंड है, मूलभूत आधार है हर एक चीज का, अस्तित्व का, हर एक अस्तित्व का मूलभूत आधार कौन है, भगवान है। इसलिए जो भगवान है वो एब्सोल्यूट सबस्टांस है, वो एकमात्र एब्सोल्यूट सबस्टांस है। तो गॉड को मतलब गॉड को ही सबस्टांस मानने वाला, एक ही रियलिटी मानने वाला, एक ही चीज को मानने वाला, इसलिए क्या है, जो स्पाइनोजा की जो फिलोसफी है, जो स्पाइनोजा का जो दर्शन है, उसको कहते हैं मोनिज्म। मोनिज्म मतलब एक चीज को, एक रियलिटी को मानने वाला व्यक्ति कहलाता है मोनिस्ट।
ठीक है, तो एक रियलिटी को, एक सत्ता को मानने वाला चीज के क्या कहलाएगा, मोनिज्म। तो जो स्पाइनोजा है वो मोनिस्ट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैसे मोनिस्ट है। बेसिकली जब गॉड की बात होती है, चूंकि स्पाइनोजा जो है बेसिकली पादरी होने के कारण उसका जितनी भी फिलोसफी आती है मेटाफिजिक्स में आती है, और वो गॉड पे ज्यादा फोकस करता है अपनी चीजों को लेकर। तो जो गॉड के बारे में बताता है, तो गॉड कहता है कि जो गॉड है वो क्या है, वो फंडामेंटल सबस्टेंस ऑफ वर्ल्ड है। अभी पीछे देखें कि वो क्या है, अल्टीमेट ग्राउंड है हर चीज का। तो गॉड अल्टीमेट ग्राउंड होने के कारण क्या है, वो फंडामेंटल सबस्टेंस है, वो मूलभूत क्या है, तत्व है, मूलभूत सत्ता है, भगवान की ही मूलभूत सत्ता है। फिर वो एक तरीके से भगवान की वो बताता है कि भगवान की मतलब भगवान में कहता है कि कोई प्रेडिकेट तो है नहीं, भगवान कह सकता है कि निर्गुण है, फिर भी उसके गुण कुछ बताता है कि जो भगवान है वो इनफाइनाइट है, भगवान जो है, जो गॉड है वो अनंत है, सेल्फ एग्जिस्ट है, मतलब वो खुद से ही अस्तित्व में है, सेल्फ कॉज है, मतलब कि स्वतः मतलब उसका कारण है, वो खुद का कारण है। जैसे कि हिंदुइज्म में जैसे शिव को बोला जाता है, जैसे विष्णु को बोला जाता है, तो वैसे ही इनफाइनाइट है, सेल्फ कॉज है, सेल्फ एग्जिस्ट करता है, बाउंडलेस है, चूंकि इनफाइनाइट है तो इसलिए बाउंडलेस है, और इनफाइनाइट इसलिए सेल्फलेस भी है, इनफाइनाइट होने के कारण बाउंडलेस और सेल्फलेस है, एट्रीब्यूटलेस है, एट्रीब्यूटलेस मतलब कि उसका कोई प्रत्यय उस पर कोई नहीं लगाया जा सकता, उस पर कुछ ऐसा चीज नहीं जोड़ा जा सकता है, उस पर क्वालिटी एक तरीके से कैरेक्टर उस पर नहीं जोड़ा जा सकता भगवान पे, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट क्वालिटी भी होगी, इसलिए इनफाइनाइट क्वालिटी होने के कारण, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट होने के कारण, इसलिए उसको एट्रीब्यूटलेस बोला गया। इसलिए नहीं बोला गया कि इसमें एट्रीब्यूट नहीं है, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट होने के कारण चूंकि जो अनंत है इसलिए उसको निगेट कर देते हैं, उसको निर्गुण बोल देते हैं, ठीक है। तो इतना चीज बोला गया। एक जो महत्वपूर्ण चीज बोली गई गॉड के रिस्पेक्ट में, बोला गया कि जो गॉड है वो प्रेडिकेटलेस है, भगवान में कोई प्रत्यय नहीं लगा सकते, मतलब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट भगवान के साथ जोड़ने से भगवान का लिमिटेशन हो जाएगा, भगवान के साथ कोई भी प्रत्यय लगाने से, गॉड के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रत्यय लगाने से भगवान का लिमिटेशन हो गया, इसलिए कोई भी चीज जो गॉड है वो प्रेडिकेट प्लेस है, और कोई भी प्रेडिकेशन लगाने से वो क्या होता है, वो उस चीज का निगेशन होता है। जैसे भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज को पे या भगवान पे प्रेडिकेट लगाने, प्रत्यय लगाने पे कैसे दूसरी चीज निगेट हो जाती है, क्योंकि प्रेडिकेट लगाने से लिमिट हो जाता है किस पे, गॉड पे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल में बोला गया कि जो गॉड है वो गुड है, गॉड इज गुड, ठीक है। अगर इसको ऐसा समझे कि एक एक तरफ गुड है, मतलब एक तरफ गुड है एक तरफ इविल है, अगर गॉड इज जो गॉड है वो ऑल गुड है, इसका मतलब जो गॉड है वो नॉट ऑल गुड होगा, मतलब गॉड इविल नहीं होगा। इसलिए जो अगर गॉड ऑल गुड है या गॉड गुड है, तो गॉड क्या नहीं होगा, नॉन गुड नहीं होगा, मतलब गॉड इविल नहीं होगा। अगर इविल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, गॉड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब जो अल्टीमेट सबस्टांस या जो फंडामेंटल सबस्टांस की बात करा स्पिनोजा, वो एक ना होके दो हो जाएगा, एक गॉड हो जाएगा एक एविल हो जाएगा, इसका मतलब एविल भी गॉड के अंदर आना चाहिए। तो ये कुछ भी चीजें, कुछ भी प्रेडिकेट, जैसे गुड जो है एक प्रेडिकेट है, तो गॉड के साथ कुछ भी प्रेडिकेट लगाने से क्या होगा, गॉड का लिमिटेशन हो जाएगा। इसलिए कुछ भी एवरी प्रेडिकेशन क्या है, वो निगेशन है, एवरी प्रेडिकेशन क्या है, निगेशन है, किस चीज का, गॉड का निगेशन है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात होती है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, क्योंकि भगवान अगर अल्टीमेट सबस्टांस है तो हर एक चीज भगवान बनाया, तो कहता है कि भगवान को जरूरत ही क्यों पड़ी बनाने के लिए, तो बोलता है कि भगवान को जरूरत इसलिए पड़ी कि भगवान ने यूनिवर्स को बनाया किस लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए भगवान ने इस दुनिया को बनाया, खुद को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने इस संसार को, इस नेचर को बनाया। इसलिए जो नेचर ही है वही भगवान है, जो नेचर है वही भगवान है, इसका मतलब भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया तो जो नेचर का लॉ होगा वो किसका लॉ होगा, वो भगवान का ही लॉ होगा, जो नेचुरल लॉ होगा, जो फिजिक्स का लॉ है जिसपे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो किसका लॉ होगा, एक्चुअल में भगवान का लॉ होगा। तो जो लॉ है, जो मैथमेटिकल लॉ है, जो ज्योमेट्रिकल लॉ है, जो फिजिक्स का लॉ है, वो क्या है, वो गॉड ही है, गॉड का लॉ है, मतलब गॉड ही है, ठीक है, बेसिक ये है। और इसी चीज को एक तरीके से लैटिन में ऐसे बोला जाता है कि नेटुरा नेटुरंस और नेटुरा नेटुराटा, ठीक है, नेटुरा नेटुरंस और नेटुरा नेचुराटा, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं।
इसका मतलब वही है कि जो गॉड है वही नेचर है, जो नेचर है वही गॉड है, ठीक है। इसका मतलब जो गॉड नेचर है वो एक चीज है, गॉड नेचर अलग अलग चीज नहीं है, क्योंकि नेचर का लॉ जो है वही गॉड का लॉ है। इसका मतलब जो गॉड का लॉ है वही गॉड है, गॉड ही नेचर है बेसिकली ऐसा। तो जो फिलोसफी, जो विचारधारा गॉड को ही नेचर मानती है, नेचर को ही गॉड मानती है, उस विचारधारा को बोला जाता है पैंथिज्म। जो विचारधारा गॉड को ही नेचर मानती है, नेचर को ही गॉड मानती है, उस विचारधारा को क्या बोलते हैं, पैंथिज्म, ठीक है। ये एक बात होगी। अब दूसरी बात होगी, जब गॉड नेचर ही है तो बोलता है कि जब हर एक चीज गॉड है, नेचर गॉड ही नेचर है, तो हर एक चीज भगवान हो जाएगा, जो भगवान है वही हर एक चीज है। तो इसका मतलब गॉड इज ऑल और ऑल इज गॉड, ठीक है। गॉड इज ऑल और ऑल इज गॉड, ये बात को कहता है कौन, स्पाइनोजा कहता है कि गॉड इज ऑल और ऑल इज गॉड। इसका मतलब जो स्पाइनोजा वो क्या है, स्पाइनोजा बेसिकली है गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसोफर, मतलब भगवान के नशे में चूर, भगवान के प्रेम में चूर फिलोसोफर कौन है, स्पाइनोजा है। क्योंकि इसको ऐसे बोला जाता है कि उसको कण कण में भगवान दिख रहे हैं, जिसको जो नेचर को ही भगवान मान लिया, भगवान ही नेचर है, नेचर ही भगवान है, उसको नेचर के कण कण में भगवान दिखेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसोफर, भगवान के नशे में चूर जो फिलोसोफर है वो कौन है, स्पाइनोजा है। अब बेसिकली बात होगी, जो नेचर है वही गॉड है, इसका मतलब जो नेचर है वो क्या है, मटेरियल। तो इसका मतलब जो गॉड है वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता, वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो कैसा हो सकता है, वो भौतिकी होगा, वो क्या होगा, वो फिजिकल होगा, वो मटेरियल होगा। वो जो गॉड होगा वो मटेरियल होगा, गॉड मटेरियल होगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, भौतिक गॉड होगा, क्योंकि गॉड ही नेचर है, स्पाइनोजा की फिलोसफी। अब ये बात हो गई कि जो भगवान है वो इनफाइनाइट है, एट्रीब्यूट लेस है, एट्रीब्यूट लेस इन द सेंस मतलब कि इनफाइनाइट एट्रीब्यूट है उसके, ठीक है। तो ये बात आती है कि जो भगवान है उसमें तो एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट लेस है, एट्रीब्यूट लेस इन द सेंस कि इनफाइनाइट एट्रीब्यूट है, उसको गिना नहीं जा सकता। तो फिर भगवान के जो एट्रीब्यूट है जिससे हमको पता चलता है कि भगवान दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि जो भगवान किस चीज से अपने आप को एक्सप्लेन करता है, तो वही कहता है कि जो भगवान है, गॉड जो है, वो दो चीजों से एक्सप्लेन करता है अपने आप को। क्योंकि जो आदमी है उसका जो दिमाग है वो फाइनाइट है, उसका जो दिमाग है वो सीमित है, मनुष्य का दिमाग जो है सीमित है, तो उसकी जो कैपेसिटी वो क्या है, वो भगवान के अनंत एट्रीब्यूट में, अनंत जो गुण है उसमें से दो गुण ही पता है, दो गुण ही जान सकते हैं इंसान, दो गुण जो है जान सकता है भगवान का। कौन कौन से गुण है भगवान के, कौन कौन से जो कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भगवान के जान सकते हैं, दो एट्रीब्यूट जो भगवान के जाने जा सकते हैं। एक वो कहता है पहला जो थॉट है, एक पहला थॉट जान सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या, एक्सटेंशन। जो स्पिनोज़ा कहता है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, क्या है वो, उसमें एक्सटेंशन है, वो विस्तार है, उसमें विस्तार ही विस्तार है। तो भगवान विस्तार से अपने आप को प्रकट करता है। और दूसरा क्या है कि भगवान ये जो विस्तार है वो अचेतन नहीं है, वो चेतन है, उसमें चेतना है, उसमें कॉन्सियसनेस है, मतलब उसमें थॉट है। तो दो तरीके से भगवान अपने आप को प्रदर्शित करता है कि हमारे दिमाग में बस दो चीज ही, हमारी जो कैपेसिटी है वो दो गुण ही जानने के काबिल है भगवान के, एक थॉट और दूसरा एक्सटेंशन। थॉट में बेसिकली कॉन्सियसनेस आता है, इमोशंस आता है, कॉन्सियसनेस मतलब कि वही चेतना, और दूसरा इमोशंस मतलब कि जो जो फीलिंग्स है, ठीक है, वो सब चीजें आता है इमोशंस और कॉन्सियसनेस में। अब वो कहता है कि जो एक्सटेंशन है उसमें क्या क्या आएगा, तो विस्तार में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो शेप आएगा, साइज आएगा, नंबर आएगा कि एक है, दो है, तीन है, शेप आएगा, साइज आएगा, ये सब चीजें क्या है, एक्सटेंशन का पार्ट है, और कॉन्सियसनेस इमोशन थॉट इसका पार्ट है, थॉट का। अब जो कॉन्सियसनेस है वो किसका, वो किसकी क्वालिटी है, चेतना किसकी क्वालिटी है, चेतना जो है किसकी क्वालिटी है, वो माइंड की क्वालिटी है, चेतना किसकी क्वालिटी है, वो माइंड की क्वालिटी है, और जो शेप और साइज और ये सब है किसकी क्वालिटी है, ये मैटर की क्वालिटी है, शेप और साइज किसकी क्वालिटी है, वो मैटर की क्वालिटी है, कॉन्सियसनेस चेतना किसकी क्वालिटी है, माइंड की क्वालिटी है। अब तो आ गया माइंड और मैटर, ये क्या है, दो गुण है जो भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। डेकार्ट जो था उसकी दिक्कत प्रॉब्लम यही थी स्पिनोज़ा के हिसाब से, कि उसने माइंड और मैटर को इंडिपेंडेंट बना दिया,
स्पाइनोजा ने क्या किया कि गॉड ही इंडिपेंडेंट है, उसके दो एट्रीब्यूट को हम जान सकते हैं, दो गुण को ही जान सकते हैं, ये था। ठीक है, अब ये बेसिकली माइंड बॉडी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डेकार्ट से ही चालू हुई माइंड बॉडी प्रॉब्लम, तो वही यहाँ पे भी आती है। डेकार्ट कहता है जो माइंड और बॉडी है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो कहता है कि माइंड और बॉडी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी देता है कि बेसिकली ब्रेन का एक पार्ट होता है पीनियल ग्लैंड, वहां पे आके माइंड और बॉडी क्या करते हैं, वो मिलते हैं, माइंड और बॉडी आके वहां पे मिलते हैं। ये बेसिकली बात करता है कौन, डेकार्ट करता है। स्पाइनोजा इसी चीज को वो निगेट करता है। स्पाइनोजा क्या कहता है, स्पाइनोजा कहता है जो गॉड है वो क्या है, अल्टीमेट ग्राउंड है चीजों का, और जो मैटर है, जो मैटर है, मैटर से मैटर प्रोड्यूस होगा, और जो थॉट है, थॉट से थॉट प्रोड्यूस होगा। स्पाइनोजा बोलता है कि जो मैटर है वो ही मैटर को बना सकता है, मैटर से थॉट नहीं बनेगा, थॉट से मैटर नहीं बनेगा, स्पाइनोजा कहना है। तो मैटर से मैटर बनेगा, थॉट से क्या बनेगा, थॉट बनेगा। तो मैटर से मैटर बनेगा, थॉट से थॉट बनेगा, क्योंकि ये बात ये भी बोल रहा था कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेक्ट करा देता है डेकार्ट आके। ये कहता है कि इंटरेक्ट भी नहीं करते, वो क्या कहता है, वो इंटरेक्ट भी नहीं करते, माइंड और बॉडी इंटरेक्ट भी नहीं करते, वो पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, वो पैरेलल एक दूसरे के चलते हैं। कि जैसे भगवान के का दो गुण है, एक थॉट है, एक क्या है, एक्सटेंशन है, थॉट से थॉट प्रोड्यूस होता जा रहा है, एक्सटेंशन मतलब मैटर से मैटर प्रोड्यूस होता जा रहा है। अब ये क्या है, ये चलते जा रही है, प्रोसेस चलता जा रहा है, ये भगवान के अंदर चलता जा रहा है, भगवान इस चीज को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पैरेलल चलते जा रहे हैं, और ये ऑपरेट किसके द्वारा हो रहा है, ये भगवान के द्वारा हो रहा है। इस चीज को बोला गया, इस माइंड और बॉडी के रिलेशन को, जैसे डेकार्ट के इस माइंड बॉडी के रिलेशन को बोला गया इंटरेक्शनिज्म, स्पिनोजा के इस माइंड बॉडी एक तरीके से जो कह सकते हैं वर्किंग का या प्रोसीडिंग को बोला गया है पैरेललिज्म, पैरेललिज्म। ठीक है, ये बोला गया स्पाइनोजा के। अब आ गया स्पाइनोजा का बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी, या कह सकते हैं जो ज्ञान मीमांसा है। इसका ज्ञान मीमांसा जो मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये इसका जो बेसिक वो था वो क्या था, मेटाफिजिक्स था, बाद में एथिक्स आ गया, क्योंकि ये धार्मिक व्यक्ति था, तो इसलिए ये तत्व मीमांसा भी ज्यादा बात किया, फिर एथिक्स भी बात करता है। इसकी जो ज्ञान मीमांसा है वो बहुत थोड़ी सी है। ज्ञान मीमांसा में वही कहता है कि जो डेकार्ट बात करता है वो बिल्कुल सही बात है, कि हम लोग को तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक क्लियर और सर्टेन नॉलेज ना मिल जाए। और क्लियर और सर्टेन नॉलेज हमको सेंसेस से नहीं मिलेगी, हमको ज्ञान इंद्रियों से नहीं मिलेगी, जो पांच सेंसेस से नहीं मिलेगी, किससे मिलेगी हमको, रीजन से मिलेगी। इसलिए जो बोलता है स्पिनोजा, बोलता है कि जो ज्ञान है उसके तीन स्तर है, तीन लेवल है, किसके, ज्ञान के, ज्ञान के तीन लेवल है। पहला जो लेवल है उसको बोला गया सेंसरी नॉलेज का, सेंसरी नॉलेज मतलब कि जो हमको ज्ञान के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमको जो नॉलेज होता है, जो हमको सेंसेस द्वारा नॉलेज होता है, जो कि ऑर्डिनरी मैन को नॉलेज होता है सेंसेसों के द्वारा। वो कहता है कि सेंसस, जो सेंसेस हमारी जो इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहता है कि वो डिस्टॉर्टेड बाय मेमोरी, जो हमारी जो मेमोरी है, जो हमारे एक तरीके से दिमाग में पहले से चीजें हैं जिनके अनुमान से हम चीजों को बताते हैं, वो क्या होता है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, वो परफेक्टली वैसे नहीं होती जैसी होनी चाहिए, मतलब 100% वो ज्ञान नहीं दे पाएगा जो है। और जो सेंसस से ज्ञान मिलेगा वो क्या है, वो ओपिनियन होगा, वो पर्टिकुलर चीज लोगों का होगा, कि लोग कैसा देख पा रहे हैं, दूर तक देख पा रहे हैं कि नहीं, कैसा सुन पा रहे हैं, उनके एक तरीके से एक्यूरेसी भी डिपेंड करेगा। तो वो क्या ओपिनियन होगा, वो करेक्ट नॉलेज नहीं होगा, वो क्लियर और सर्टेन नॉलेज नहीं होगा, जो डेकार्ट बात करता है। तो कहता है पहला स्तर है जो कि ऑर्डिनरी मैन सब में होता है। कहता है दूसरा जो होता है वो मैथमेटिकल नॉलेज का होता है, दूसरा जो नॉलेज होता है वो मैथमेटिकल नॉलेज का होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें रीजन होता है, जिसमें रीजनिंग होता है, जिसमें लॉजिक होता है, जिसमें एक तरीके से मेथोडोलॉजी होता है चीजों को खोजने समझने के लिए। तो वो दूसरा स्तर है मैथमेटिकल का। अभी कहता है कि जो रीजन वो क्या करेगा, तो जो सेंसस, जो हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, जो सेंसस के द्वारा डिस्टॉर्शन आ जा रहा था, जो मेमोरी के कारण डिस्टॉर्शन आ जा रहा था नॉलेज में, वो क्या करेगा, उस चीज को न्यूट्रलाइज करेगा, उस डिस्टॉर्शन को न्यूट्रलाइज करेगा। जो रीजन है उस सेंसेस के द्वारा जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर कहता है वो इंट्यूटिव नॉलेज का, ना आत्मज्ञान का, जो अंदर से बोध होता है, आत्मबोध का जो ज्ञान होता है। तो जो कहता है आत्मबोध का ज्ञान वो क्या है, वो रीजन वेरिफिकेशन के द्वारा संभव है।
रीजन क्या है? रीजन एक साधन, एक सोर्स है जिसके कारण आत्मबोध का ज्ञान होगा, आत्मबोध का ज्ञान होगा। उसका रीजन क्या है? वो है साधन, है वो सोर्स है। और जो आत्मबोध का ज्ञान है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इन्नेट, जो जन्मजात हम लोग के अंदर ज्ञान है, जो इन्नेट नॉलेज हमारे अंदर उसके बारे में है। इन्नेट नॉलेज किसका है? गॉड का, नेचर का, ये सब बेसिकली ये बात करता है, इन्नेट आइडियाज के बारे में, इन्नेट नॉलेज के बारे में स्पाइनोजा। अब बेसिकली जो स्पाइनोजा है वो बोलता है कि जो गॉड है, जो गॉड, उसकी दो एट्रीब्यूट्स हैं। गॉड के दो एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? एक थॉट है और दूसरा एक्सटेंशन है। एक थॉट है, दूसरा एक्सटेंशन है, मतलब एक प्रॉपर्टी माइंड की है और दूसरी जो प्रॉपर्टी है बॉडी की है। ठीक है, माइंड और बॉडी की प्रॉपर्टी, थॉट और एक्सटेंशन। लेकिन कहता है जो गॉड है उसमें जो एट्रीब्यूट है, उसमें जो प्रत्यय है वो क्या है? इनफाइनाइट है। जो गॉड के अंदर वो है एट्रीब्यूट, वो क्या है? इनफाइनाइट है। लेकिन जो मैन है, जो आदमी, वो क्या है? वो फाइनाइट और लिमिटेड है। आदमी जो है फाइनाइट लिमिटेड है, भगवान क्या है? इनफाइनाइट और अनलिमिटेड है। तो इनफाइनाइट अनलिमिटेड से चीजें फाइनाइट और लिमिटेड में कैसे जाएगी? तो स्पाइनोजा ये बोलता है कि जब चीजें भगवान से आदमी में जाती है तो जो हमारी तरफ एक्सप्रेस होती है वो कैसे होती है? वो इनफाइनाइट तरीकों से नहीं होती है। क्या इनफाइनाइट होके नहीं होती है? वो छोटे छोटे पार्ट्स में आती है। भगवान उसको, हम लोग को, चूंकि भगवान जो ऑपरेटर है, अल्टीमेट ग्राउंड भी है भगवान, वो ऑपरेटर भी है चीजों को ऑपरेट करने के लिए। तो वो क्या करता है कि जो इनफाइनाइट एट्रीब्यूट उसके, उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग के पास भेजता है, उसको मॉडिफाई करके हम लोग के पास छोटे छोटे टुकड़े में भेजता है। वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बोला गया मोड, उसी चीज को बोला गया मोड, जिसकी क्वांटिटी, मतलब उसकी जो नंबर है, उसका जो नंबर है इनफाइनाइट है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो सीमित। उसकी क्वालिटी सीमित है लेकिन उसका जो नंबर है, जो उसका क्वांटिटी है, वो क्या है? इनफाइनाइट है। जो भगवान मोड को आदमियों के अंदर भेजता है छोटे छोटे पार्ट्स में। ये चीज हो गई। ये तो रही गॉड का डिस्क्रिप्शन स्पाइनोजा की थ्योरी में। अब जो इसका जो गॉड है, चूंकि प्योर रीजन के द्वारा पाया जा सकता है, स्पाइनोजा गॉड है, इसलिए उसका जो गॉड है वो क्या है? वो मैथमेटिकल गॉड है। उसका जो गॉड है वो मैथमेटिकल गॉड है, वो एकदम प्योर रीजन से पाया जा सकता है। प्योर रीजन है उसका, मटेरियल गॉड है स्पाइनोजा का। अब स्पाइनोजा बात करेगा एथिक्स का, या बॉन्डेज और फ्रीडम की बात करेगा, कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। बंधन किसे कहा गया है, मुक्ति किसे कहा गया है स्पाइनोजा की थ्योरी में? वो कहता है कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो क्या है? भगवान के अंदर डिजायरलेस है। भगवान जो है डिजायरलेस है, उसमें कोई डिजायर नहीं है, उसमें इमोशन नहीं है, भगवान के अंदर इमोशंस भी नहीं है, भगवान के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है। मतलब एट्रीब्यूट इन द सेंस कि एट्रीब्यूट है, इनफाइनाइट है, इसलिए वो, उसको बोला गया एट्रीब्यूट लेस है, वो निर्गुण है, उसको निर्गुण बोला गया। एट्रीब्यूट्स नहीं है उसमें, उसमें कुछ गुण नहीं है। ठीक है, लेकिन कहता जो इंसान है, इंसानों के अंदर तीन इमोशंस होते हैं। स्पाइनोजा बोलता है इंसानों के अंदर तीन इमोशंस होते हैं, इंसानों के अंदर तीन इमोशंस होते हैं। कौन कौन से? और वो जो इमोशंस है वो बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल। जो इमोशंस इंसानों के अंदर मिलते हैं तीन, वो बहुत पावरफुल है। इमोशंस तो बहुत है, लेकिन जो तीन इमोशंस है बहुत पावरफुल। कौन कौन से? एक तो अटैचमेंट का, अटैचमेंट मतलब कि जो लव का उनका वो है, ठीक है, चीजें जो अटैचमेंट का जो इमोशन है वो एक, जो दूसरा हेट का इमोशन है, और जो तीसरा है वो डिजायर का इमोशन है। अटैचमेंट का इमोशन, हेट का इमोशन और डिजायर का इमोशन, ये जो तीन इमोशन है, ये जो मैन है, जो आदमी है, उसके बहुत पावरफुल इमोशंस है। अब ये बात कर रहे हैं, जो तीन इमोशंस की बात हुई है कि जो अटैचमेंट है, जो हेट है और जो डिजायर है, वो जो तीन इमोशंस है वो दो तरीके के इमोशंस है, मतलब दो टाइप्स होते हैं इमोशंस के। एक तो एक्टिव इमोशंस होते हैं और दूसरा होता है पैसिव इमोशन। एक्टिव इमोशंस उसने क्या बताया? तो बताया कि जो एक्टिव इमोशंस है वो क्या है? वो इमोशन जो हमको कल्याण की तरफ ले जाए, जो दूसरों के भलाई के लिए, जो संसार की भलाई की तरफ ले जाए, वो एक्टिव इमोशन है। और जो दूसरा इमोशन हमको एविल की तरफ, जो हमको पाप पाप की तरफ ले जाए, जो हम को पाप की तरफ, एविल की तरफ या दुष्टता की तरफ ले जाए, वो क्या है? वो पैसिव इमोशन है। हमारे अंदर दोनों प्रकार के इमोशंस हैं। जो हमको वेलफेयर, कल्याण की तरफ ले जाए, वो एक्टिव इमोशन।
जो हम लोग को एविल की तरफ ले जाए वो क्या है, पैसिव इमोशन, ये बात रही। अब ये कहता है स्पाइनोजा, कहता है कि ये जो एक्टिव इमोशन दोनों, पैसिव इमोशन, एक्टिव और पैसिव दोनों इमोशन, वो क्या है, हमारे बंधन का कारण है। चाहे वो वेलफेयर के लिए इमोशन हो, चाहे वो एविल के लिए इमोशन हो, दोनों प्रकार के इमोशन क्या है, दोनों प्रकार के इमोशन क्या है, बंधन के कारण है दोनों प्रकार के इमोशन। क्यों? क्योंकि जो इमोशंस है वो हमको अंधा कर देते हैं, ब्लाइंडेड अवर रीजन, हमारे तर्क को, हमारी बुद्धि को अंधा कर देते हैं। इसलिए ये जो बंधन है क्या है, इमोशन का, पैसिव एक्टिव दोनों प्रकार के बंधन, चाहे वो वेलफेयर के लिए किए हो हम लोग, चाहे एविल के लिए। ठीक है, तो कहता है कि इसका निदान क्या है, तो इसका निदान एक ही है कि आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि हाथ पैर वो करके आप लगे मेडिटेशन करने, बेसिकली जो ध्यान की प्रक्रिया है, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं। मेडिटेशन किस पे करना है, गॉड और नेचर पे। मेडिटेशन किस पे करना, गॉड और नेचर पे, मतलब गॉड और नेचर के लॉ पे करना है, गॉड और नेचर के लॉ पे करना है, उस चीज को ऑब्जर्व करना है, उस चीज को देखना है कि अच्छा किस प्रकार से जो दुनिया का जो चीजें है वो कैसे ऑपरेट कर रही है, रेगुलेट हो रही है, उस चीज को देखना है। यही क्या है, गॉड और नेचर का लॉ है। और तब तक देखना है, कब तक देखना है, जब तक आप वहां पहुंचना चाहे, जो इननेट लॉ है गॉड का, जो गॉड का प्योर लॉ है, जो जन्मजात लॉ है गॉड का, जिससे चीजें बनी है, ये सब जब तक वहां पे ना पहुंच जाए, तब तक आप मेडिटेशन करते रहिए, उस चीजों को खोजते रहिए। कहता है जब वहां पे आप पहुंच जाएंगे, वही क्या है, वही स्टेट ऑफ फ्रीडम है, वही क्या है, वही स्वतंत्रता का एक तरीके से स्तर है, वो स्वतंत्रता का स्तर है, ठीक है, वो स्टेट है। और इसको कैसे पाया जा सकता है, प्योर रीजन से। वहां जब पहुंचेंगे आप, तो प्योर रीजन से ही पाया जा सकता है वो चीजें। वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि जो मैथमेटिकल लॉ, ये जो मैथमेटिकल गॉड है, वो क्या है, प्योर रीजन है और कुछ भी नहीं है, वो प्योर रीजन है, प्योर रीजन द्वारा पाया जा सकता है। अब वो देखते हैं कि जो विल है, भगवान का विल क्या है, भगवान की इच्छा क्या है। भगवान का इच्छा यही है कि ये जो लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को ऑब्जर्व करो, उसी को देखो, उसी के कैसे देखेंगे हम लोग, प्योर रीजन से। तो कहेंगे कि भगवान की इच्छा क्या है, यही है। तो बॉन्डेज और फ्रीडम की बात हो गई स्पाइनोजा की थ्योरी में। अब जो बात आती है, बेसिकली जो टॉपिक बचता है स्पाइनोजा की थ्योरी में, वो बचता है एथिक्स। स्पाइनोजा की थ्योरी में जो टॉपिक बचता है वो है बेसिकली एथिक्स का। अब एथिक्स क्या, एथिक्स मतलब कि जो ये बात करेगा, चूंकि धार्मिक व्यक्ति है, तो जैसे इंडियन दर्शन में, भारतीय दर्शन में बात होती है मोक्ष की, बात होती है, ठीक है, हाईएस्ट गोल क्या है लाइफ का, वही। तो ये भी बात करता है कि जो अल्टीमेट अटेनमेंट है लाइफ का, या जो हाईएस्ट गोल है लाइफ का, वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट गोल होना चाहिए लाइफ का, क्या होना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड है, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड है, इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड है, क्या है, वही हाईएस्ट एक तरीके से गोल है, हाईएस्ट गोल है किसका, लाइफ का। अब गॉड है क्या, वो गॉड बेसिकली है क्या, गॉड जो है इटरनल है, ठीक है, गॉड क्या है, इटरनल है। तो इटरनल का जो नॉलेज है, चूंकि इटरनल मतलब कि जो हर एक समय काल में एक तरीके से प्रेजेंट रहे, उसको इटरनल, शाश्वत जिसको बोलते हैं। तो शाश्वत ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, गॉड का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब गॉड क्या है, गॉड मैथमेटिकल नेसेसिटी है, गॉड क्या है, मैथमेटिकल नेसेसिटी है, गॉड मैथमेटिकल नेसेसिटी है। नेसेसिटी होने के कारण इसकी जो फिलोसफी है, उसको डिटरमिनिज्म भी बोला जाता है, मतलब नियतिवाद का, मतलब निश्चितवाद का, डिटरमिनिज्म या नियतिवाद कह लें, बेसिकली नियतिवाद का, डिटरमिनिज्म मतलब नियतिवाद की इसकी थ्योरी है या फिलोसफी है। एक बात तो ये रह गई, अब दूसरी बात, ये एथिक्स लेता कहाँ से, ठीक है, तो ये देखता है कि एथिक्स जो है बेसिकली ये हॉब्स के फिलोसफी को वो क्या करता है, मॉडिफाई करेगा या उसको कुछ चेंज करेगा। हॉब्स बोलता है जो आदमी, हर एक आदमी क्या करता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में क्या करता है, प्लेजर की तलाश करता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में प्लेजर की तलाश करता है। तो जो हॉब्स की जो फिलोसफी, या जो आदमी है, जो हॉब्स का जो जो आदमी है, वो क्या है, वो इगोइस्ट है, वो क्या है, वो स्वयं केंद्रित है, वो स्वयं केंद्रित है, इसलिए वो इगोइस्ट फिलोसफी है। स्पाइनोजा कहता है जो आदमी है वो प्लेजर के लिए काम नहीं करता, वो प्लेजर उसकी वो नहीं है, एक तरीके से क्या कहता है, नेसेसिटी नहीं है प्लेजर उसकी, जो नेसेसिटी वो क्या है, हर एक आदमी
सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा, प्लेजर के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए काम करेगा, वो जिंदा रह सके, ठीक है, जिंदा रह सके उस लिए काम करेगा। तो जो भी चीज है, विच एवर चीज जो है सपोर्ट करेगी किसको, सर्वाइवल को, वही उसके लिए क्या होगा, वही उसके लिए सद्गुण है, वही उसके लिए क्या है, वही उसके लिए वर्चू है। किसके लिए, जो भी चीज सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करे। इसे कहते हैं सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, स्ट्रेंथ जरूरी है, ताकत जरूरी है, सर्वाइवल के लिए ताकत जरूरी है, दोनों प्रकार की ताकत। पहला जो फिजिकल ताकत है कि जैसे जैसे एक बॉडी है तो बॉडी को क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ है ये भी जरूरी है सर्वाइवल के लिए। और दूसरा मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो मानसिक जो वो है ताकत है, मानसिक ताकत भी चाहिए। अब मानसिक ताकत मिलेगी कैसे, स्पिनोज़ा कहता है मानसिक ताकत मिलेगी फेथ इन परमानेंसी, ठीक है, जो कि गॉड, गॉड में भरोसा रखने से ही, गॉड में श्रद्धा रखने से, आस्था रखने से ही आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी आपको, भगवान में एक तरीके से श्रद्धा रखने से, आस्था रखने से। अब ये जो भगवान सत्ता रखेंगे, इससे ये होता है कि ये जो इसका जो झुकाव है या जो इसका जो व्यू आ जाता है गॉड का, वो कहाँ से आ जाता है, वो क्रिश्चियनिटी वाले गॉड से आ जाता है कि जो गॉड है वो ही लव है। तो कहता है कि जो लव है, जो लव है वही अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जो प्रेम है, जो प्यार है, वो क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, वही जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वही ताकत है, आखिरी ताकत क्या है, प्रेम है। तो इसलिए जो गॉड है उसका, जैसे क्रिश्चियनिटी में लव इज गॉड है, तो इसमें भी आ गया जो लव है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, किसका, गॉड, ह्यूमन का, लव इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये हो गया स्पाइनोजा का। अब स्पाइनोजा का मेटाफिजिक्स खत्म हो गया, इपिस्टेमोलॉजी या तत्व मीमांसा खत्म हो गया, ज्ञान मीमांसा खत्म हो गया, बॉन्डेज ऑफ फ्रीडम देख लिया हम लोग, पर एथिक्स स्पाइनोजा में बस इतना है।